धर्म क्या है? एक राजा धर्म के प्रति बड़ा जिज्ञासु था। नगर में जब भी कोई महात्मा आते, राजा बड़े आदर पूर्वक उनको महल में लाता और धर्म के बारे में जिज्ञासा प्रकट करता। महात्मा उनको धर्म के विषय में जानकारी देते। राजा में तर्क करने की आदत थी। इस आदत के कारण वह कभी संतुष्ट नहीं होता था। कितने ही महात्मा आए और सबसे उसने धर्म क्या है पूछा, लेकिन अपनी आदत के कारण कभी संतुष्ट नहीं हुआ। समय बीतने पर एक बार एक फक्कर महात्मा नगर में आए। राजा को पता चला तो तुरंत महात्मा को आदर सहित महल में बुला लाया। सत्कार आदि करने के बाद राजा ने वही पुराना प्रश्न कर दिया कि महाराज, धर्म क्या है? महात्मा ने कहा, अगर तुम धर्म के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना राज्य छोड़ना पड़ेगा और मेरे साथ चलना पड़ेगा। राजा जिज्ञासु था ही, उसने तुरंत प्रधानमंत्री को बुलाकर राज्यभार सौंप दिया और महात्मा के साथ चल दिए। रास्ते में कई बार राजा ने महात्मा से प्रश्न किया। महात्मा यही कहते रहे, अभी जल्दी क्या है, चलते रहो। चलते चलते एक महीना बीत गया। वे एक नदी किनारे पहुंच गए। राजा ने झुंझलाकर कहा, महाराज अब तो बता दो, काफ़ी दिन बीत गए हैं। महात्मा ने कहा, राजन, नदी के उस पार तुम्हारा राज्य नहीं है, वही उत्तर दूंगा। इसलिए तुम एक नाव मंगवाओ। राजा ने तुरंत आदेश दिया, नाव आ गई। नाव को देखकर महात्मा ने कहा कि ये नाव नहीं चलेगी, पीले कलर की नाव मंगाओ राजा। राजा के आदेश पर पीले रंग की नाव आ गई तो महात्मा बोले कि यह नाव भी नहीं चलेगी, अमुक लंबाई चौड़ाई की नाव मंगाई जाए। इस प्रकार महात्मा तर्क दे दे कर नाव वापस करते रहे। राजा का धैर्य जवाब दे चुका था। बड़े ही तल्ख लहजे में बोला, महाराज आपको नदी ही तो पार करनी है, फिर नाव आमुक रंग की हो या इस लंबाई चौड़ाई की हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? महात्मा मुस्कुरा कर बोले, राजन तुम्हारे नगर में अनेक ज्ञानी विद्वान महात्मा आए और उन्होंने तुम्हें धर्म के बारे में समझाया, परंतु तुम उन महात्माओं की बातों को अपनी बुद्धि से तो तौलते रहे, उनका रंग और लंबाई चौड़ाई नापते रहे। अरे भाई, तुम्हें तो इस भावसागर से पार ही तो होना था, फिर तुमने महात्माओं द्वारा बताए गए मार्ग को क्यों नहीं अपनाया, क्यों उनमें कमी निकालते गए? अब राजा की समझ में आ चुका था कि गुरु की बुद्धि में अपनी बुद्धि को सौंप देने में ही समझदारी है।